जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएसएफ एचसीएम एएसआई का जॉब प्रोफाइल क्या है। बीएसएफ एचसीएम का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का आप लोगों को मैं बताऊंगा जॉब प्रोफाइल क्या है इस वीडियो में, वही मैं बताऊँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, बीएसएफ ऐसा फोर्स है, बहुत ज़बरदस्त फोर्स है दोस्तों। और बीएसएफ में आप लोगों को ड्यूटी करना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप लोगों को राइफल मिलेगा क्या नहीं, सैलरी कितना मिलेगा, ए टू जेड आप लोगों को मैं बताऊंगा। और क्योंकि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जॉब प्रोफाइल बहुत आदमी को पता नहीं, क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी सर, सैलरी, लीव, उसके बाद आप लोगों को प्रमोशन, पेंशन क्या है, पूरा डिटेल में बताऊंगा। 18 साल से लेकर 25 ईयर्स तक आप लोगों का होना चाहिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। साथ में आप लोगों को टाइपिंग भी होना बहुत ज़रूरी है, टाइपिंग भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बीएसएफ एचसीएम बन पाओगे। टाइपिंग में भी एक अच्छा आप लोगों को हासिल करना पड़ेगा, एक मिनट में 35 वर्ड आप लोगों को टाइपिंग करना पड़ेगा आपको इंग्लिश में, और हिंदी में 30 वर्ड। ये दोस्तों आप लोगों का फास्ट हो गया है। उसके बाद जैसे आप लोग क्वालिफाइड हो जाता है, रिटेन फिजिकल के बाद मेडिकल, ये सब कुछ क्वालिफाइड होने के बाद आप लोगों को आ जाता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जैसे आप लोगों का हो जाता है, ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं भी मिल सकता है। आपको दिल्ली हो या कलकत्ता हो या नॉर्थ ईस्ट हो या श्रीनगर, मतलब कहीं भी आपको मिल सकता है। और आपको ड्यूटी क्या करना पड़ेगा, बहुत आदमी बोलता है सर ड्यूटी क्या करना पड़ेगा, जी बिल्कुल मैं बताऊंगा। ड्यूटी आप लोगों को राइफल का बारे में भी आप लोगों को सिखलाई देता है ट्रेनिंग का दौरान। जैसे आप लोगों का ट्रेनिंग होगा, ऐसे नॉर्मल तो बेसिक ट्रेनिंग सभी का होता है, उसका बाद आप लोगों का जो एचसीएम का है वही ट्रेनिंग होगा। और ट्रेनिंग में आप लोगों को सिखाया जाएगा आप मतलब कैसे आप खुद को बचा सकता है, वो भी आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा राइफल के साथ। क्योंकि सभी का मन में ये सवाल होता है सर राइफल मिलेगा या नहीं, क्योंकि देखिए राइफल मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं बिल्कुल बताता हूँ, राइफल नहीं मिलता है दोस्तों। क्योंकि आपका ये क्लर्क का जॉब है, आप जितना जो भी फोर्स में रहेगा बीएसएफ में उनका जो काम है आप लोगों को करना पड़ेगा। इसमें बहुत सेक्शन रहता है, आप जैसे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को ऐसे सेक्शन बांटेगा, किसी को पे सेक्शन में बांटेगा, किसी को एस्टेब्लिश सेक्शन में, किसी को लॉयर सेक्शन में बांटेगा, किसी को मतलब ऐसे बहुत कुछ इसमें ना, किसी को टीए डीए, किसी को जो एजुकेशन जो है आप पढ़ाई के लिए जो भी चाहिए, किसी को एनओसी चाहिए उसका काम, किसी को बिल्डिंग ब्रांच का है, मतलब सभी, किसी को वेलफेयर का, मतलब बहुत ब्रांच रहता है, रिक्रूटमेंट हो गया, बहुत ब्रांच रहता है। और इसमें आप लोगों को सेक्शन आप लोगों को बांटेगा और उसमें आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ये आप लोगों को हो गया। और काम क्या है, आपका कंप्यूटर का सामने आप लोगों को बैठना है और आपको हमेशा ऑफिस का अंदर ही आपको काम करना, कहीं बाहर जाके ड्यूटी या नाइट को ड्यूटी वो आपका नहीं होता है। ड्यूटी वही होता है सुबह आप लोगों को लगभग 10 बजे तक आपको जाना है, 9:30 बजे आपका टाइम है, 9:30-10 बजे के अंदर आप लोगों को ऑफिस पहुँचना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को लगभग 2 बजे तक आपको ऑफिस में रहना पड़ेगा। 2 बजे आपका ये होगा, 1 घंटा के लिए आपका लंच टाइम होगा। उसके बाद फिर आप लोगों को 3:30 बजे से लेकर फिर 7 बजे तक आप लोगों का ऑफिस में रहना पड़ेगा। 6:30 से 7 बजे तक आपको ऑफिस में रहना पड़ेगा, मतलब लगभग 8 घंटा तो आप लोगों को, 7-8 घंटा आप लोग को तो डेली आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। ये हो गया आप लोगों का ड्यूटी। ड्यूटी नाइट ड्यूटी नहीं रहता है, जिदी जैसे आपको राइफल लेके बाहर जाना है, ये जाना है मोर्चा, ये कुछ नहीं, आपका सिविल ड्रेस में होगा प्रॉपर। उसके बाद सोमवार, आज हम बताने वाला हूँ बीएसएफ एएसएस टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम 2024 बैच बुक के बारे में, जो कि साक्षु प्रकाशन की है और इस बुक से पढ़ाई करेगा जरूर सक्सेस हो पाएगा। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलता है, 2350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, 100% गारंटी दिया है साक्षु ने, और इससे पढ़ा करेगा जरूर सक्सेस हो पाएगा। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर ए टू जेड इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सिलेबस के आधार पर इस बुक को बनाया गया है और इससे पढ़ाई करेगा जरूर सक्सेस हो पाएगा। साक्षु का ऑब्जेक्टिव सामान्य अध्ययन भी आता है, जिससे लेकर आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकता है। चाहे तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकता है फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको सोमवार को आपका खाकी ड्रेस, जो उसके बाद शुक्रवार को आपका कॉम्बाइन ड्रेस। दोस्तों, ये हो गया आप लोगों का ड्यूटी। अभी आ जाता है सैलरी कितना है सर। सैलरी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि 25,500 आप लोगों का बेसिक पे है।
अब दिए हैं उसके बाद लगभग आप लोगों को बहुत बन जाता है 71,000 तक आप लोगों को लगभग मतलब 70 अभी जो फिलहाल है आप लोगों को लगभग आप लोगों को 71,000 तक आपको मिल जाएगा श्रीनगर का एरिया में आप लोग मिलेगा, क्योंकि 25,000 है आप लोगों का डायरेक्ट बेसिक पे है। उसका बाद आपको इसमें आपको एचआरए मिलेगा 27% हो गया तो आपको तो आराम से मिल जाएगा। इसके बाद डीए आपको मिलेगा 50%, उसके बाद रेशन मनी हो गया, ये सब बहुत मिलेगा पैसा। अभी मेन बात आ जाता है सैलरी, तो आप लोगों को मैं बता दिया लगभग आपको 60 से लेकर 70 के अंदर तो आपका रहेगा नॉर्मल आप लोगों का पे 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 70 तक, ये होगा आपका सैलरी। इसका 12,000 सैलरी हो गया, ड्यूटी हो गया, लीव आ गया। लीव आप लोगों को कितना मिलता है, लीव आप लोगों को कितना मिलता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लीव जो है बीएसएफ का सभी का बराबर है। अब सीएल है 15 दिन, ईएल है 60 डेज, ये आप लोगों को क्या है लीव है। अभी आ जाता आपको लीव तो मैं बता दिया, और आप लोग जो पीएल बोलता है ना प्रेगनेंसी लीव जो है, जो आप लोग आपका जो वाइफ प्रेगनेंट होगा उसी टाइम भी आपको 15 दिन मिलेगा दोस्तों। इसका बात आ जाता है आप लोगों को पोस्टिंग कहाँ मिलता है, पोस्टिंग आप लोगों को कहाँ मिलता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पोस्टिंग ऑल इंडिया जैसे होता है आपको 3 साल के बाद ही आप लोगों का पोस्टिंग होता है, और पोस्टिंग आपका कहीं भी हो सकता है, आप फैमिली भी रख सकता है, ऐसा बात नहीं है फैमिली कहाँ पर रख सकता है, क्योंकि आपका जॉब तो पूरा क्लर्क का है, आपका कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रहो आप फैमिली रखने का आपका सुविधा रहेगा। जैसे बॉर्डर पर ड्यूटी करता है उसी ने आपको ड्यूटी में भी आपको बॉर्डर पर ड्यूटी नहीं करना है दोस्तों, आप ऑफिस के अंदर ही आपका रहेगा। फैमिली रखने का सुविधा आपको कहीं भी आपको मिल जाएगा दोस्तों, अच्छा जगह में श्रीनगर का अलावा आपको बाकी जैसे श्रीनगर में भी है जैसे आरटी हमामा में है उसमें आप रख सकते हैं, बाकी जगह में आपका मुश्किल होगा श्रीनगर में, और बाकी आप कहीं भी आप रख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो ड्यूटी है बहुत बढ़िया ड्यूटी है। और इसका बाद ड्यूटी हो गया, सैलरी हो गया, उसका बाद आपको पोस्टिंग भी मैं बोल दिया, आप घर का नज़दीक भी आ सकते हैं, ऐसा बात नहीं घर का आप दूर में रहेगा, घर का नज़दीक भी आ सकता है। और अभी आ जाता है आप लोगों को बीएसएफ का जॉब क्यों पसंद करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी पर बहुत ज़बरदस्त फोर्स है, बहुत सुविधा है। जुलाई में भी आपको 12,500 रुपये आपको मिलेगा, क्या मिलेगा ड्रेस अलाउंस मिलेगा। उसके बाद आपको डीए आपको इंक्रीज होगा, कितना बार डीए 2 बार, उसके बाद बेसिक में 1 बार इंक्रीमेंट लगेगा। इसके बाद आप लोगों को बोनस भी मिलता है, बहुत सारा सुविधा है। और देखिए आप बीएसएफ का सपना आपका पास है तब आप बिल्कुल रेडी हो जाए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बीएसएफ का एक आप सोल्जर बनने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना है पड़ेगा आपको। और जिसका राइफल का है राइफल नहीं मिले, और हेड कांस्टेबल का जॉब, क्योंकि कांस्टेबल में आप लोगों को 22 साल लग जाता है, और हेड कांस्टेबल में भर्ती हो रहा है तो आपका और एडवांस हो जाता है। हेड कांस्टेबल से लगभग 5-6 साल के अंदर आप लोगों का एएसआई आपका एक स्टार आ जाएगा, और नहीं तो आप सिपाही में भर्ती होने से आपको 22 साल लग जाता है। बीएसएफ बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रमोशन लेट होता है बीएसएफ में, और आप लोगों के लिए तो बड़ी अच्छा है क्योंकि आप लोगों को बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी आ जाता है आप लोगों को फैमिली परमिशन भी मैं बोल दिया, कहीं भी आपको रख सकते हैं अच्छा जगह में। और अभी आ जाता है आपको प्रमोशन भी मैं बोल दिया हूँ, और यही है बीएसएफ एचसीएम का ड्यूटी सैलरी ड्रेस कोड तो आप लोगों को पता है। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, वंदे मातरम।